News 18, India. मंदिर यहाँ बनाएंगे, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी बनाएंगे। भारत अब भारत नहीं रह गया है, भारत ग्लोबल हो गया है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर की धूम पूरी दुनिया देखती है, दूसरी तरफ अबू धाबी जैसे इस्लामिक देश में राम मंदिर की झलक स्वामी नारायण मंदिर में दिखाई दे रही है। अबू धाबी में ये मंदिर बनकर तैयार है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे और 18 फरवरी को ये मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल भी दिया जाएगा। मंदिर कैसा है ये आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की थी कि किसी इतने शक्तिशाली मुस्लिम देश में इतना बड़ा हिंदू राम मंदिर बन जाएगा, इतना बड़ा हिंदू मंदिर बन जाएगा। हमने भी नहीं की थी। आप जानते हैं अबू धाबी में तीसरी अदालती आधिकारिक भाषा हिंदी है और अबू धाबी की कुल आबादी जो है वो 90 लाख के करीब है, जिसमें 20 लाख तो भारतीय ही है। और ऐसे में इन भारतीयों को हमेशा से ही पूजा पाठ के लिए एक मंदिर की जरूरत महसूस होती रही है। अबू धाबी की सुनहरी रेत में मंदिर निर्माण की परिकल्पना तो 1997 में ही कर ली गई थी, लेकिन दो संस्कृतियों को आपस में जोड़ने का ये जो सपना है वो तब जाकर साकार हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 2015 अगस्त में यूएई की यात्रा पर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में अबू धाबी सरकार ने मंदिर निर्माण की अनुमति दे दी और साल 2017 में अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मंदिर के लिए 27 एकड़ जमीन भी उपहार में दे दी। वहीं साल 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका भूमि पूजन किया। पीएम ने उस वक्त ये कहा था कि ये एक पवित्र पूजन स्थल होगा जो कि मानवता और सद्भाव की एक अद्भुत मिसाल होगा और एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को भी मानना पड़ेगा। 2018 में उन्हें दो मंदिर को लेकर दो प्रोजेक्ट्स दिखाए गए थे। एक बहुत ही साधारण सा और सामान्य सी इमारत का स्ट्रक्चर था, वहीं दूसरा भव्य पत्थर का बना हुआ स्ट्रक्चर था। जब उनसे पूछा गया कि कौन सा मंदिर बनाया जाए, जायद मुस्कुराकर बोले कि एक मंदिर मंदिर की तरह होना चाहिए। उन्होंने इस मंदिर को शांति और बढ़ावा देने का बताया प्रतीक बताया और साथ साथ ये कहा कि यूएई और भारत के बीच ये घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक होगा और इसलिए ये मंदिर भव्य होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आप कोई काम अच्छे मन से करते हैं तो ईश्वर आपकी राह को और आसान कर देता है। हिंदुस्तान और अबू धाबी ने अच्छे मन से एक दूसरे का हाथ थामा, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाया और साल 2019 में देखिए इस मंदिर ने मैकेनिकल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत लिया और तभी से लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया कि ये मंदिर कितना भव्य होने वाला है। उत्सुकता और मंदिर बनने को जो इंतजार है, मंदिर पूरा होने का जो इंतजार है लोगों में और ज्यादा बढ़ा हुआ तभी से दिखाई देने लगा जब से इस मंदिर को अवार्ड मिला। मंदिर के निर्माण में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आया है। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि BAPS के नेतृत्व में हुआ है। दुनिया भर में 1100 हिंदू मंदिरों का निर्माण ये संस्था कर चुकी है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी इसी संस्था ने कराया है और आपको जानकर बहुत गर्व होगा कि हिंदुस्तान के बाहर ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अबू धाबी का ये मंदिर हिंदुस्तान और यूएई के बीच कल्चरल एक्सेप्टेंस और बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा एग्जांपल है। जी हाँ, अबू धाबी में मंदिर बनकर तैयार है, अयोध्या जैसी झलक है, बेजोड़ और वैदिक वास्तुकला से प्रेरित है, तल में अभिषेक मंडपम भी है। राम मंदिर की तरह ही इस मंदिर में लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी से पत्थरों को पत्थरों से जोड़ा गया है। स्तंभों पर रामायण की कथाएं हैं, मंदिर की दीवारों पर रामायण के अलग अलग प्रसंगों का चित्रण किया गया है। राम जन्म, सीता स्वयंवर, राम वन गमन, लंका दहन, राम रावण युद्ध, भरत मिलाप जैसे प्रसंगों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। यहाँ एक झरना भी है जो गंगा, यमुना और सरस्वती के स्रोत का प्रतीक है। बनारस की तर्ज पर यहाँ रोज संध्या आरती होगी, घंटा ध्वनि गूंजेगी और शंखनाद भी होंगे। विग्रह के सामने धूप और दिया जलाया जाएगा, हवन भी होंगे, आरती की सुलहरियों से भक्ति की धारा बहेगी, आकाश तक पताका लहराएगी। स्वामी नारायण, अयप्पा और वेंकटेश्वर के जीवन का चित्रण भी है। शिव पुराण और भगवत पुराण की कहानियों पर नक्काशी भी की गई है इस मंदिर में। स्वामी नारायण के भव्य गुंबदों को कहा गया है सद्भाव का गुंबद। ये गुंबद पृथ्वी, जल, वायु और अंतरिक्ष को प्रदर्शित करता है। इस मंदिर में एक तरफ ऊंट बनाए गए हैं जो कि अरबी संस्कृति को दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हाथी है जो कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। अरबी घोड़े भी हैं जो भारत और अरब के बीच मैत्री संबंध का प्रतीक है। मंदिर में 7 शिखर है जो अमीरात की एकता का प्रतीक है। राजस्थान के कारीगरों ने इस भव्य मंदिर की कल्पना को साकार किया है। इन कारीगरों ने संगमरमर को तराश करके श्री राम और गणेश जी की मूर्तियां उकेरी हैं। मंदिर की नींव में 100 सेंसर्स लगे हैं जो कि भूकंपीय गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने वाले हैं और मौसम पर नजर रखने के लिए 350 से ज्यादा सेंसर्स लगे हैं। उस पूरे क्षेत्र में होने वाले तापमान और दबाव को ये सेंसर्स मॉनिटर करेंगे। लेकिन आप जानते हैं 1000 साल तक ये मंदिर जो है वो
जस का तस बना रहेगा। 108 फीट की ऊंचाई है, 108 फीट की चौड़ाई भी है, मंदिर की 262 फीट की लंबाई है, और इसके अलावा 12 गुंबद पिरामिड है जो कि बनाए गए हैं, 7 शिखर और 401 स्तंभ है इस मंदिर में। और आप ये भी जान लीजिए कि अभी तक 42 देशों के राजनायक इस मंदिर का पहले ही दीदार कर चुके हैं। एक समय था जब हिंदुस्तान को पहले कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स कहा जाता था, क्योंकि दुनिया ये सोचती थी कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं, सुपरस्टिशंस में बंधे हुए हैं। लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली देश भारत की संस्कृति को न सिर्फ मान्यता दे रहे हैं, बल्कि अब भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति का हिस्सा भी बना रहे हैं।